आगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन की आज की बात करते हैं। देखिए, पहले दिन की परीक्षा संपन्न कर ली गई है और पहले दिन की परीक्षा कल जो हुई है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई है। और अब आपको बता देते हैं, आज दूसरा दिन जिसकी पहली पाली की परीक्षा से थोड़ी देर के बाद, या कहिए कि बस शुरू ही हो चुकी है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। 10 बजे से 12 बजे तक की परीक्षा, 5 मिनट का मिलेगा अलग से और एक्स्ट्रा टाइम परीक्षा पत्र वापस लौटाने के लिए अपने जवाब के साथ। परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ इंतजाम जो किए गए हैं वो आज भी बदस्तूर जारी हैं। अभ्यर्थियों की गहन चेकिंग हो रही है, 3 लेयर की चेकिंग के बाद अभ्यर्थी परीक्षा दे पा रहे हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, मुरादाबाद की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नर्स से रेप के मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी डॉक्टर के 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं। आरोपी डॉक्टर का पिता चलाता था मदरसा जिन्हें किया गया है सील। 2 मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं। ABM हॉस्पिटल के डॉक्टर पर नर्स से रेप का आरोप है। हॉस्पिटल में बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा में छेड़छाड़ और रेप की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। एक और ताजा खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ऑटो ड्राइवर पर महिला सवारी को सुनसान जगह पर ले जाने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने और रेप करने की कोशिश करने का आरोप है। अब इस शख्स की गिरफ्तारी जैसे हुई है वो तस्वीरें आप देखिए, मुठभेड़ में इसको पकड़ा गया है। आरोपी का नाम कुलदीप है। पुलिस ने इससे तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया है। पहले से इसके ऊपर 7 केसेस दर्ज हैं। थाना फेज 2 इलाके का मामला। उधर नोएडा में एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक और एनकाउंटर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे 2 बदमाश जो हैं वो धर दबोचे गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य घरों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों ने कुछ दिन पहले मोहियापुर गांव में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट के 1,12,000 रुपए नकद, 1 पिस्टल, 3 अवैध तमंचे बरामद। नोएडा से थाना पुलिस एंटर हुआ है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया गया, पर वे लोग नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों दीपक और कनोज के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार है नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। शाजापुर से खबर, जहां पुलिस ने जिला बदर अपराधी शकील उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया है। डीएम के आदेश पर गुंडा एक्ट के तहत उसे जिला बदर कर दिया गया था। इसके बावजूद वो चोरी छिपे जिले में छुपकर रह रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी शकील उर्फ बाबा पर विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर भी शाजापुर से है, जहां पर पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोपी 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमंचा, कारतूस, लोहे की रॉड, बुलेरो बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को एक लड़का जब बुलेरो से जा रहा था तो इन 3 बदमाशों ने पीछा करते हुए गाड़ी में टक्कर मार दी। और बढ़ते हैं आगे हमीरपुर से खबर, जहां पर चोरों ने मोबाइल की दुकान में घुसकर 12 स्मार्टफोन्स और 40,000 की नगदी पार कर ली, चुरा ली। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चोरी की वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सुबह दुकानदार ने जब दुकान खोली तो सामान बिखरा हुआ पाया, नगदी और 12 मोबाइल गायब पाए। बताया जा रहा है कि 2 चोर दुकान में घुसे, दोनों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन दुकानदारों ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है। उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो भी आप देख रहे हैं जो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।
बढ़ते हैं आगे मथुरा में खबर जो आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें मथुरा में भरी पंचायत में बेटे ने पिता के हत्यारे को गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव है। इस घटना से नाराज मृतक अमोल पहलवान के परिजनों ने अपना आक्रोश दिखाया, गुस्सा दिखाया और दिल्ली आगरा रूट को जाम कर दिया। कई घंटों के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हाईवे को खुलवाया है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर फोर्स की तैनाती कर दी। थाना शेरगढ़ इलाके की ये घटना है। इंदहाड़े पंचायत के बीच में एक शख्स की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई। गांव में एक स्थानीय विषय पर पंचायत चल रही थी, जिसमें वर्तमान प्रधान का पुत्र कृष्ण कुमार था और वहीं पर अमोल पहलवान जो मृतक हैं वो भी था। वहीं पे इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और मृतक के परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार तथा उसके साथियों ने अमोल पहलवान पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हुआ और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उसको मृत घोषित किया गया। उधर मथुरा में पुलिस ने चोरी करने वाले सिकलीगर गैंग के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक 25,000 का इनामी बदमाश जो है वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सामान तो बरामद हुआ ही है, लेकिन देखिए शातिर बदमाश जिसके ऊपर पहले से ही कई वारदातों में शामिल होते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। शिवा सिंह पटवा मध्य प्रदेश के देवास का रहने वाला है। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। इनके पास से पुलिस ने 2,50,000 रुपये कैश, सोने चांदी के जेवर, 5,000 रुपये नकद, अवैध असला और चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में अपने साथियों के साथ रेकी करने के बाद बंद मकान में ताले तोड़कर अंदर जाते और चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये टीम और गोविंदनगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इनको से मुठभेड़ हुआ, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, एक बदमाश को पकड़ लिया गया, एक बदमाश भागने में भाग गया। जो इनसे पूछताछ की गई, जो इंजर्ड है उसका नाम शिवा सिंह पटवा है और एक जो आदमी है उसका नाम है परमानंद है। ये पूछताछ में पता चला कि जो शिवा सिंह है उस पर 25,000 रुपये के इनाम हमारे वहाँ से है। ये हमारे 5 तारीख को जो चोरी हुई थी उसमें ये वांटेड है। सोनभद्र के मारकुंडी घाटी में पहाड़ पूरी तरह से बाधित है, गाड़ियों की आवाजाही बंद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुक रुक कर